हाय गाइज़, वेलकम बैक टू त्रिदेव इन्वेस्टमेंट लैब। तो गाइज़, आज मैं आपके लिए दो स्टॉक लेकर आया हूँ जिसमें कि काफ़ी अच्छी मूवमेंट नज़र आ रही है, और एक तो पेनी स्टॉक भी है और एक बेटर मूवमेंट सिनेरियो भी दिख रहा है उसमें। तो गाइज़, एक अच्छी रेसिस्टेंस पे भी ट्रेड कर रही है और मूवमेंट की सिनेरियो नज़र आ रही है। आइए जानते हैं वो कौन से स्टॉक्स है जिसमें कि ये पोटेंशियल बन रहे हैं, उसकी फंडामेंटल्स भी मैं आपके साथ पूरी डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको इसी तरह के पर्सनली स्टॉक्स चाहिए तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है और उधर एक व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है। अगर आपको कोई पर्सनल मैसेज हो तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं वो उस स्टॉक की तरफ जिसमें कि पोटेंशियल्स बन रहे हैं। तो गाइस, फर्स्ट मैं आपको चार्ट पर लेकर चलता हूं और क्लियर कराता हूं। तो गाइस, आप यहां पे देख सकते हैं, फर्स्ट जो स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उस स्टॉक का नाम है NECC लिमिटेड, जो कि वीकली कैंडल आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि वीकली कैंडल में गाइस, ये जो है आज का कैंडल जो दिखा है, यानी कि लास्ट वीक का कैंडल जो दिख रहा है, वहाँ पे गैप अप ओपनिंग के साथ कैंडल दिखने को मिल रही है बुलिश की। गाइस, साथ ही साथ अगर हम फोकस करें तो एक रेसिस्टेंस बन रही है, रेसिस्टेंस पे स्टॉक दिख रहा है, और पिछले एक अगर देखें गाइस तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस टच करके यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग भी हो चुकी है, और गाइस प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ यहाँ से वापसी ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस, इसमें एक अच्छी मूवमेंट नज़र आ रही है, रेसिस्टेंस को भी ब्रेक करने की पूरी उम्मीद देखने को मिल रही है। तो गाइस, इसे ब्रेक करता है तो एक अच्छी प्रॉफिट भी आपके हाथ लग सकती है, क्योंकि गाइस चलिए मैं आपको इसका अगर दिखाऊँ बैक का, तो आप देख सकते हैं इस रेसिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है तो एक अच्छी प्रॉफिट यहाँ बन रही है, जो कि लगभग एक आपको यहाँ पे 50 रुपीज़ के आसपास एक दिख रहा है। मैं आपको क्लियर कराऊँ प्राइस, तो हाँ एक आप देख सकते हैं 52 रुपीज़ के आसपास जो है एक रेसिस्टेंस फिर छोटी टाइम के लिए देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छी प्रॉफिट आप कम समय में इसमें बना सकते हैं। अगर गाइज यहाँ को भी ब्रेक करता है तो लगभग 70 रुपीज़ तक का एक टारगेट, और फिर दूसरा आपको 100 रुपीज़ तक का टारगेट दिख रहा है। तो गाइज, एक अच्छी इसमें मूवमेंट की सिनारियों की नज़र आ रही है, एक बड़ी प्रॉफिट इसमें बनाई जा सकती है, फोकस ज़रूर बनाए। सेकेंड स्टॉक की बात करें गाइज, तो सेकेंड स्टॉक आप देख सकते हैं, सेकेंड स्टॉक का नाम है लैगनम स्पाइनटेक्स लिमिटेड। गाइज, अगर बात करें इसकी प्राइस की तो ये भी एक अच्छी रेसिस्टेंस पे ही ट्रेड कर रही है, एक बड़ी डाउन के बाद वापस से एक अच्छी सिनेरियो बनाई और रेसिस्टेंस पे चल रही है। अगर मैं आपको इसका कैंडल क्लियर करूँ तो गाइज आप देख सकते हैं, हाँ ये आप देख सकते हैं, एक जो है नज़दीकी में हाई बनाई और यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट दी और रेसिस्टेंस पे ट्रेड करा। अगर ये इसको ब्रेक करके रेस्पेक्ट करता है थोड़े टाइम के लिए, जिस तरह से अभी जो स्टॉक मैंने आपको बताई एक प्रॉफिट बुकिंग होती है, और वापस से जब मूव करना शुरू करे तो वहाँ से भी आप बाइंग कर सकते हैं एक बड़ी प्रॉफिट के लिए। तो गाइज, स्टार्टिंग आप कम क्वांटिटी से ही इंटर करें, और जिस तरह से मूवमेंट बनाता जाए एक बड़ी क्वांटिटी आने वाले समय में आप ऐड करते जा सकते हैं, अच्छी प्रॉफिट इसमें मिल सकती है, सिनेरियो काफ़ी बेटर नज़र आ रही है। आइए जानते हैं इसके जो है फंडामेंटल्स क्या रहे हैं। तो गाइज, अगर इसकी फंडामेंटल्स की बात करें तो गाइज आप देख सकते हैं ये स्टॉक जो है BSE NSE दोनों में ट्रेड करती है। इसकी अगर प्राइस, तो गाइज इस स्टॉक का अगर मार्केट कैप को देखा जाए तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं 323 करोड़ की मार्केट कैप। गाइज, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक काफ़ी पेनी स्टॉक देखने को मिल रहा है। इसकी प्राइस भी आप देख सकते हैं 34 रुपीज़ पर ट्रेड कर रही है। और गाइज, साथ ही साथ अगर इसकी ROCE और ROE को देखा जाए तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो ROCE है 8.27% की नज़र आ रही है, ROE जो है 5.56% की देखने को मिल रही है। स्टॉक काफ़ी अच्छी जो है प्रॉफिटेबल भी नज़र आ रही है, और कंपनी के पास जो है आपको यहाँ पे 23 करोड़ रुपीज़ कैश अवेलेबल भी देखने को मिल रही है। फिलहाल कंपनी के पास कोई ये जो है कंपनी डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही, और कंपनी की प्लस परसेंटेज भी 0 है, जो कि काफ़ी बेटर मानी जाती है। इसकी अगर बात करें गाइज होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स होल्डिंग आप देख सकते हैं 52.7% की, FI होल्डिंग जो है 0.04% की, और यहाँ पे अगर देखें पब्लिक होल्डिंग तो यहाँ पे 47.3% की होल्डिंग पब्लिक के पास देखने को मिल रही है। गाइज, यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जो है कंपनी के ऊपर डेट की अगर बात की जाए तो 114 करोड़ रुपीज़ कंपनी के पास ऊपर डेट देखने को मिल रही है, कर्ज में देखने को मिल रही है। तो गाइज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है कंपनी की मार्केट कैप के अनुसार, तो यहाँ पे थोड़ी फोकस बना के रखिएगा, थोड़ा ये रिस्की स्टॉक हो सकती है आपके लिए, तो आप स्टार्टिंग कम क्वांटिटी से ही इंटर करें तो आपके लिए यहां पे बेटर अपॉर्चुनिटी ये स्टॉक में हो सकती है, बड़ी प्रॉफिट बनाई जा सकती है, प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। इसकी अगर बात करें गाइस, नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं और जानते हैं कौन सा क्या सिनेरियो उसमें बन रही है, क्या इसके फंडामेंटल्स हैं। तो गाइस, नेक्स्ट स्टॉक आप देख सकते हैं लैगनम स्पिनटेक्स लिमिटेड, जो कि इसकी प्राइस की अगर बात करें तो 101 रुपीज़ पर यह ट्रेड कर रही है, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 10.02% से पॉजिटिव भी देखने को मिला NSE में यह ट्रेड करती है। इसकी मार्केट कैप 178 करोड़ रुपीज़। गाइज आप देख सकते हैं मात्र
178 करोड़ रुपीज़ की मार्केट कैप है और ये 101 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है, अच्छी प्राइस पे ट्रेड कर रही है। फिलहाल ये कंपनी कोई डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही। परसेंटेज की अगर देखेगा इस तो प्लेस परसेंटेज आपको 48.2% की कंपनी की शेयर जो है गिरवी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे ये एक निगेटिव पॉइंट है स्टॉक के लिए हो सकती है, तो आपको फोकस बना के रखना है। आप इसके चार्ट के मूवमेंट के अनुसार भी चल सकते हैं और गाइस इसकी फंडामेंटल बहुत ज़रूरी है, तो आप फंडामेंटल को फोकस बना के ज़रूर रखें और स्टार्टिंग कम क्वांटिटी से ही इंटर करें तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए इसकी ROCE को देखें तो 8.98% की नज़र आ रही है, ROE जो है 10.9% की देखने को मिल रही है। इसकी प्रमोटर्स होल्डिंग देखेगा इस तो 68.5% की होल्डिंग जो है प्रमोटर्स के पास नज़र आ रही है। फिलहाल यहाँ पे कोई डाटा और भी FIA DIIs या फिर पब्लिक की डाटा देखने को नहीं मिल रही है अवेलेबल। तो गाइस अगर आपके पास कोई भी ऐसी वेबसाइट्स हो तो आप वहाँ से इसकी जो है जान सकते हैं FIA होल्डिंग, DII होल्डिंग या फिर पब्लिक होल्डिंग को। गाइज अगर देखें डेथ की तो कंपनी के ऊपर मार्केट कैप से ज़्यादा जो है डेथ नज़र आ रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 314 करोड़ रुपीज़ की जो है कंपनी के ऊपर डेथ है, कंपनी कर्ज में देखने को मिल रही है। फिलहाल गाइज कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिटेबल भी नज़र आ रही है और इसकी प्रॉफिट ग्रोथ फिलहाल यहाँ पे माइनस यानी कि निगेटिव नज़र आ रहा है। तो गाइज इन सारे पॉइंट्स को फोकस किया जा सकता है, ज़रूरी पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को अगर फोकस करते हैं तो एक अच्छी बाइंग भी हो सकती है और अच्छे मूवमेंट के बाद सेल भी टाइमली कर सकते हैं। तो गाइस इन सारे पॉइंट्स को अगर करते हैं आप फोकस तो एक अच्छी प्रॉफिट भी बना सकते हैं। गाइस अगर ये स्टॉक्स अच्छी लगी और इन स्टॉक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टॉक अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह के रेगुलर स्टॉक्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।